Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan ibn Abdullah al-Arabi al-Hashmi الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا انسان کو لگنے والی ساری وائٹل چیزیں سستی کے بنانے والے رب نے इस ज़मीन में पैदा फरमा दी। इस ज़मीनी कुर्रे के अलावा कहीं भी इंसानों के फ़ायदे की कोई चीज़ हमारे इल्म में नहीं। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर लेता है। घर बैठे दुनिया में हो रहे वाक़े को लाइव देख सकता है। अपने दूर दराज अजीज़ों और रिश्तेदारों से घर बैठे बात कर सकता है। हत्या के तरक्की करके इंसान चाँद और दूसरे सैारों पर पहुँच रहा है, शायद ये देखने के लिए कि कहीं ज़िंदगी के कुछ चांस भी हैं। रब ताला ने ज़िंदगी के ताल्लुक से फरमाया अपनी आखिरी किताब अल कुरानुल हकीम में, वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय अफला युमिनून, और हमने हर जी रूह लिविंग एंटिटी की हयात का दारोमदार पानी को बनाया है, क्या अब भी ये इंसान मानेंगे नहीं। इंसान करोड़ों डॉलर खर्च करके चांद और दूसरे प्लेनेट पर पहुँच रहा है, लेकिन पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर पानी नहीं तो इंसान का सर्वाइवल मुमकिन नहीं। दरअसल ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक इंसान की जो सोच काम करती है वो ये कि इंसान किसी तरह साहिब इक्तदार हो जाए और मौत पर काबू पाकर अमर इमॉर्टल हो जाए। यही वो लालच है जो शैतान ने हम सब के माँ बाप हजरत आदम और माँ हव्वा को दिया था, ये कहते हुए कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों को उस दरख्त के पास जाने से इसलिए मना किया है, अंतकून मलकैन यतकून मिनल खालिदीन, कि तुम दोनों फरिश्ता सिफत या साहिब इक्तदार हो जाओ या तुम दोनों फॉर एवर रहने वाले इमॉर्टल और अमर हो जाओ। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे ऐसी लाइफ मिले जो कभी ख़त्म ना हो, जिसमें वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, उसे कभी कोई मिसफॉर्चून और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इस दुनिया में किसी भी इंसान को कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दुनिया इनकम्प्लीट और अधूरी है। यहाँ की हर चीज़ में जवाल और फना है, लाजवाल और फॉरएवर लाइफ यहाँ है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हकीकत बनकर एक इंसान को हमेशा हमेशा के लिए हासिल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस ज़िंदगी के काउंटर पार्ट आखिरत में ही। अगर किसी इंसान को अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए अपनी जन्नत में एंट्री दे तो ही वो अमर हो सकता है, जहां उसे कभी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना नेमतों के छिन जाने डिस्कनेक्ट होने का कोई खौफ होगा, ना ही किसी किस्म का कोई गम उसे परेशान करेगा, उसकी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी की जाएगी। ऐसी लाजवाल और बेखौफ गम वाली ज़िंदगी पाने के लिए एक इंसान को इस दुनिया की कदर करनी होगी। ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल की तरह है, जहाँ उसे कड़े परिश्रम करना होगा, एक किसान की तरह पथरीली और बंजर ज़मीन में हल चलाकर उसमें कर्म के बीज बोने होंगे, जिसकी फसल वो कल आखरत में काट सकेगा, जहाँ उसकी फसल की सही और ऊंची कीमत उसे मिलेगी, उसकी हर हर चीज़ की बड़ी कदर की जाएगी। लिहाजा ये दुनिया नफरत करने की जगह नहीं, बल्कि ये दुनिया नाम है कोशिश और सही करने का। यहाँ हर इंसान के कुछ ना कुछ टारगेट्स हुआ करते हैं, जो वक्त के साथ साथ बदलते भी रहते हैं। मसलन बचपन में इंसान का टारगेट एग्ज़ाम में कामयाबी हुआ करता है, जवानी में अपने करियर को बनाना और बुढ़ापे में औलाद की खिदमत उसे हासिल हो, यह उसका टारगेट हुआ करता है। इस ग्लैमरस वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत से टेम्पटिंग और दिल लुभाने वाले अट्रैक्शंस मौजूद हैं, खींचे चले जाते हैं हम जिनके तरफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसे टारगेट्स और अचीवमेंट को हम हासिल कर भी लें तो वो कब तक हमारे पास रहेगा। इस दुनिया के टारगेट के ताल्लुक से रब ताला ने फरमाया, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक,
इंसानों जो कुछ तुम्हारे पास है उसने तो खत्म होना ही है, और जो अल्लाह के पास है वही एवरलास्टिंग और बाकी रहने वाला है। लिहाजा कभी लज्जत और मज़े के लिए कोई गुनाह ना करें, क्योंकि लज्जत और मज़ा ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुनाह बाकी रह जाएगा। इसी तरह कभी तकलीफ़ की वजह से कोई नेकी करना ना छोड़े, क्योंकि तकलीफ़ कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी और नेकी बाकी रह जाएगी। इस दुनिया की हर नेमत और अचीवमेंट की हकीकत यह है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ये ज़िंदगी एग्जॉस्टिंग कंज्यूमेबल्स के अलावा कुछ नहीं, सामान्य ज़िंदगी और मता है जो इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएगा और बहरहाल सामान्य धोखा ही साबित होगा। बेशक कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कायनात में जो कोई भी है उसे फना होना ही है, बका और इन्फिनिटी किसी को है तो वो तेरे रब की ज़ात जो बड़े जलाल वाला बड़े करम वाला। उसी इन्फिनाइट मालिक ने कायनात की हर चीज़ पैदा की, उसी ने इतना परफेक्ट निज़ाम बनाया कि उसकी क्रिएशन और कारखाने कुदरत में कोई गलती, कोई नक्स, कोई एरर ढूंढने से भी ना मिले। मातरा फिर खल्के रहमानी मिन तफाउत फरजेल बसर हलतरा मिन फतूर सुमर जेल बसर रकर रतैन यनकली बिलकल बसर व खासियम वह हसीब, निगाहें थक जाएं, अक्ल हैरत ज़दा रह जाए, दिमाग माउफ हो जाएं, लेकिन अल्लाह की कुदरतों में हमें कोई डिफेक्ट और एरर ना मिले। वो इतना परफेक्ट डिज़ाइनर और क्रिएटर के गुलाब और मोगरे की खुशबू हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक ही पानी से सींचा गया, एक ही ज़मीन से पैदा हुआ, फिर उनमें अलग अलग खुशबू कहाँ से आई, जिसे बार बार सूंघने से भी वो ख़त्म ना हो। इसी प्रकार अल्लाह ने जो फूलों को कलर कॉम्बिनेशन दिया और उन्हें हरे रंग के मुख्तलिफ शेड्स की पत्तियों के साथ इतना उम्दा और हसीन बनाया कि दिल बार बार गवाही देने को करता है कि फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, यकीनन अल्लाह क्या ही बेहतरीन डिज़ाइनर है। और हमारे हाल ये है कि इसी कुदरती पौधे से जब हम हाइब्रिड पौधा तैयार करते हैं तो उसमें से खुशबू माइनस हो जाती है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शै ला इलाहा इल्ला हु, ये है मेरा तुम्हारा और सारी सृष्टि का खालिक और रब, जिसकी मिसाल न दी जा सके, जिसके हर काम में एक अनोखापन हुआ करता है। उसने अपनी मखलूक में उसके फंक्शन से इम्बाइब कर दिए, हर मखलूक का हर एक्शन उसके इल्म और जानकारी में। उसे अपनी मखलूक के बारे में मुकम्मल इल्म हुआ करता है कि वो किस हाल में है, कहाँ है, क्या उसकी ज़रूरियात है और क्या कुछ उसके लिए मुनासिब है। वो अपनी बनाई हुई मखलूक से बेखबर नहीं, बल्कि उसे तो ज़र्रे ज़र्रे की हालत भी पूरी तरह मालूम है। हर मखलूक का एड्रेस उसके पास, हर सेकंड में इंसानों के कितने बच्चे पैदा होते हैं, हैवानों के कितने, परिंदों के अंडे, अंडों में से निकलने वाले चूज़े और कितने इस दुनिया से डिपार्ट और रुखसत हो रहे हैं, सबका रिकॉर्ड उसके पास है। उसके रिकॉर्ड में कोई गलती और भूल चूक की गुंजाइश नहीं। एटम में बसने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उसे खबर, साथ ही मखलूक को भी उसकी ड्यूटी और लिमिटेशन पता। वमा मिन्ना इल्ला लहु मकामुम मालूम व इन्ना लनहनुल साफून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम में से हर एक को अपना मकाम, स्टैंड और अपनी हैसियत मालूम है। और बेशक हम अपने मालिक के ऑर्डर पर ज़रूर सब बस्ता होकर सिस्टमेटिकली अमल कर रहे हैं, और बेशक हम अल्लाह की तस्बीह के साथ फंक्शनल बने हुए उसी के ऑर्डर पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह हम कबूल करते हैं इस बात को कि हमने हमें मिली हुई आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, हमें अपने किए पर पछतावा है। हम अपने सारे इफ़ और बट आपके सामने डालकर टोटली सबमिट और सरेंडर होते हैं। कबूल करते हैं हम अपने सारे गुनाहों को जो हमने लोगों से छुप कर किए और जो आम मजमे में हमसे हुए। ऐ अल्लाह आपके दर अफू पर आए हैं माफ़ी के तलबगार बनकर। कुछ नहीं है हमारे पास, क्या ला सकते हैं हम आपके लिए? हम चाहें कि हम फूलहार और चादर चढ़ाएं तो मेरे मालिक इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, हर फूल आपका पैदा किया हुआ। अगर हम चाहें कि दौलत का चढ़ावा चढ़ाएं तो मेरे रब आपके पास तो हर चीज़ के ख़जाने हैं। मखलूक के पास जो कुछ भी है वो आप ही का दिया हुआ है, आपको कभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। हमने ढूंढ लिया, कोई चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं जो हम आपकी शान के मुताबिक ला सकें। लेकिन मेरे मालिक हम लाए हैं अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम नेक जज्बात, तमाम इबादतें, तमाम पाकिजगियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए लाए हैं, क्योंकि आपने फरमाया है लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहुत्तक्वा मिनकुम,
सिंबॉलिक कोई भी चीज़ आप नहीं चाहते, आपको तो उसकी स्पिरिट तकवा चाहिए, वो भी बंदों के खुद के फायदे के लिए, आपको उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। हम शुक्र अदा करते हैं अपने मालिक का कि उसने अपने बंदों को पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमु, बिन मांगे उस रब ने अपने बंदों की सारी ज़रूरतों की चीज़ें इस दुनिया में मुहैया करा दी। साथ ही आखिरत की फाइनल ज़िंदगी की असल हकीकत से बंदों को वाकिफ कराने के लिए शुरू से ही नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी रखा। उन नबियों और रसूलों ने आखिरत के फॉरएवर लॉस से बचने के लिए इंसानों को नमूना फराहम किया। साथ ही तौहीद की दावत के बाद उस वक्त के माशरे की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम के बीमारों और उनको जिन्होंने अपनों के बुरे सलूक से जीने की आज छोड़ दी थी, उन्हें मोहब्बत के दो बोल से उनके सरों पर प्यार भरा हाथ फेर कर उन मुर्दा दिनों में जीने की आस जगाई और अलमसीह द मसाया कहलाए। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया आज भी बदली नहीं है। आज भी औरतों की आज़ादी का दम भरने वाले ऐसे इलाके हैं जहां जवान बेवा और तलाकशुदा खातीन बेओगी और मुतल्लिका का लिबास पहने ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनमें कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो अपने शौहर के साथ एक दिन भी ना रह सकी, लेकिन शौहर के इंतकाल पर उसे मनहूस करार देकर उसे घर से बाहर कर दिया गया। तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर उसे घर से बेदखल कर दिया गया। इसी प्रकार बीमारों के साथ भी इंसानियत का यही हाल है। ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने फ़रज़ और ड्यूटीज़ को भूलते जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे कि कितना बड़ा काम अल्लाह उनसे ले रहा है। डॉक्टरों और दवाओं का खर्चा भी इतना बढ़ गया है कि मरीजों को खुद जीने की आस छोड़कर आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। आजकल मर्सी किलिंग के नाम से भी मरीजों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसी प्रकार फिरौन की तरफ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया तो इस जुर्म का तस्किरा किया, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, फिरौन ने तुम्हारे बेटों को काट डालते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ते थे। हज़रत लूत ने अपनी कौम से कहा, अतातून अल्फाहिशा मा सबककुम बिहा मिन अहद मिन अल आलमीन, क्या तुम ऐसी बेहयाई और ऑब्सिनिटी का काम करते हो जो तुमसे पहले सारे जहां में किसी ने नहीं किया। हज़रत शुएब का तस्किरा करके फरमाया, काले या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह वला तनकुसुल मिकयाल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। हज़रत शुएब ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की गुलामी को स्वीकार करके उसकी अब्दियत को कबूल कर लो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मापतोल में लेन देन में कमी न करो, घाटा न करो, डंडी मत मारो, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसी में खैर देख रहा हूँ, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे अंदेशा है कि तुमको बड़े दिन का अजाब अपनी चपेट में ले लेगा। इस आयत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये नहीं कहा कि सब धंधे पानी छोड़ दो, बल्कि कहा कि उसमें ईमानदार बन जाओ। नबियों और रसूलों की यह तालीम कभी नहीं रही कि दुनियादारी छोड़कर बस अल्लाह अल्लाह करते रहो। उन्होंने इंसानों को उनके रब का फरमान सुनाया कि फैज़ा कुज़ियत अस्सलातु फंतशिरु फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जुमा की नमाज के बाद ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल रोज़ी रोटी की तलाश करो। इसी तरह रमज़ान में हुक्म दिया कि फ़लाना बाशिरहुन्न वब्तगू मा कतब अल्लाहु लकुम, रोज़े की रात भी नॉर्मल गुजारो और दिन में भी कामकाज करके पैसे कमाओ, उसमें भी अल्लाह के फजल को ढूंढो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फजलन मिन रब्बिकुम, हज के मेन दिन भी कामकाज कर सकते हो। इसी तरह का मजमून हमें हदीस शरीफ में भी मिलता है। अन काबे बिन उजरा काल मर्र अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल फरा असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जलदिही व नशातिही फकालु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना हाज़ा फी सबीलिल्लाह, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان خرج يسعى على ولده سيجارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على والده فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه يوفها فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। حضرت کعب بن اجرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا, आपके साथियों ने उस शख्स की मेहनत चौकसी और सरगर्मी को देखा तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इस आदमी की मेहनत और सरगर्मी अल्लाह के रास्ते में होती। आपने फरमाया, अगर वो अपने छोटे बच्चों के रिस्क के लिए दौड़ धूप कर रहा है तो अल्लाह के रास्ते में है, अगर अपने माँ बाप के लिए रिस्क के इंतज़ाम करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है तो भी वो शख्स अल्लाह ही के रास्ते में है, और अगर अपने वो खुद के हलाल और तैयब रिस्क के लिए मेहनत कर रहा है
तो भी वो शख्स अल्लाह ही के रास्ते में है। इसके बरखिलाफ अगर उसकी दौड़ धूप दिखावे और फख्र बड़ाई के लिए होगी तो फिर वो शैतान के रास्ते में है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक्य पर गौर करें तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल आज हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी में सोच पनक रही है कि जब तक थोड़ी बहुत हेरा फेरी ना कर लो मार्केट में टिक नहीं सकेंगे। पेमेंट वक्त पर करते रहे तो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे। आज धंधा करने के लिए बेईमानी करना ज़रूरी हो गया है। क्या दूसरे मलाई खाएं और हम देखते रहें? देखें हम किताब अल्लाह में हज़रत शुएब के जवाब को, बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज। अगर तुम यकीन करो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जो कुछ बचे उसी में तुम्हारे लिए खैर है, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी जासूसी करने वाला हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अनहु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। जिस चीज़ से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ ऐसा नहीं है कि तुमको मना करके वो काम मैं ही करने लग जाऊँ। मैं तो जितना मुझसे बन पड़ता है उतना इस्लाह और सुधार के काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी कोशिशों का दारोमदार और उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ही इख्तियार में है। अल्लाह ही पर मैं भरोसा करता हूँ और मैं भी अल्लाह ही की बारगाह में अपनी कोताहियों और भूल चूक की माफ़ी के लिए रुजू होता हूँ। दरहकीकत हमें भी ये यकीन नहीं कि माश का निज़ाम अल्लाह के हाथों में है, वरना हमारी सोच ऐसी ना होती। बिजनेस कोई सा भी हो उसमें हम अपने माल की सच्चाई कभी दूसरों से छुपाए नहीं। जितना पेमेंट हम ले रहे हैं उसी पेमेंट का माल हम सामने वाले को दें। चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन करें, उसमें चोरी ना करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, अने मल साबिगादिम वकद्दिर फिस्सद वामलू सौलिहा इन्नी बिमा तामलू न बसीर, के चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन करो, तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब ना होने पाए बल्कि उसमें ईमानदारी दिखाई देनी चाहिए, और वही ईमानदारी और क्वालिटी अपने अखलाक और किरदार में लाने के लिए अमल सौले करते रहो, क्योंकि तुम्हारा हर अमल मेरी वॉच में हुआ करता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी लोगों के लिए ही हैं। जो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वो अपने आप को इससे फ्री ना समझें। असल में हर अमल के पीछे जो मेन चीज़ है वो है अल्लाह का तकवा। यानी मुझे कोई देखे ना देखे मेरा रब ज़रूर देख रहा है। किसी ऑफिस में हम काम करें तो उसके टाइमिंग्स का हम ख्याल रखें। ये ना सोचें कि ऑफिस कभी भी जाओ कौन पूछता है, कुछ भी करो कौन जवाब मांगता है। कोई पूछे ना पूछे, कोई जवाब मांगे ना मांगे, अल्लाह ज़रूर हिसाब लेगा। स्कूल में अगर हम टीचर हैं तो ये सोचें कि बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत हैं। जो पीरियड हमें दिया गया उस पीरियड में हम पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएं, वरना हमसे इसके बारे में सवाल होगा। पेमेंट लेते वक्त हमें यह ख्याल आ जाए कि क्या वाकई हम अपनी जॉब के साथ ईमानदार हैं। अगर हम अपनी जॉब में ईमानदार नहीं रहेंगे तो भी हम इस आयत की जद में आएंगे, और मुमकिन है कि अल्लाह के कानून इंसाफ में हम भी फंस जाएं। अल्लाह हम सब आपकी किताब को उसकी ओरिजिनल से समझ कर पढ़ रहे हैं और अमल की अपनी सी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें वो सलीका नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए, वो रुजू की कैफियत नहीं बन पा रही जो बननी चाहिए, वो कल्बे मुनीब और कल्बे सलीम नहीं बन पा रहा जो आपको मतलूब है। मगर फिर भी कोशिश जारी है, इस कोशिश को अगर आप कबूल फरमा ले तो ही कुछ बात बन सकती है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल कुरानिल अज़ीम फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انك انت السميع المستجيب الدعوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اعذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.